नेहरू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। इसमें बताया गया कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किए, कोड़ों की सजा, उन्हें झूठ बांटने का काम दिया जाता था। और झूठ बांटने के लिए अनुज भाई कभी जाइएगा, मौका देखिएगा कि उनको वो कूटने का सामान था, वो था एक बैल। जितना अपने बैल में बहुत ताकत होती है, वो उतना तेल नहीं पिरा सकता जितना कि उनको हाथ से पिराने के लिए दिया जाता था। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाने आज हम उनकी पूर्व संध्या पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इस पर सेमिनार का भी आयोजन किया है डॉक्टर चारू मल्होत्रा जी ने। हम सब कहना ये चाहते हैं कि जो आज देश के अंदर कम्युनल फोर्सेस मजबूत हो रही हैं, सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जात बरादरीवाद फैलाया जा रहा है, गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, ये निश्चित तरीके से नया इतिहास लिखा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को नया इतिहास में क्या बताना चाहते हैं आप? कहना इनका ये है कि महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपति का पिता कहा था, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, और ये सेमिनार में हमारे विद्वान ने आप बैठे हुए हैं वो सब कभी क्लियर करेंगे कि जो व्यक्ति भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी पुस्तक लिख करके पूरे भारत का इतिहास बताता है दुनिया को, दुनिया में कहीं चले जाइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको मिलेगी। मेरा अपना मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर सियासत में ना होते और प्रधानमंत्री भी ना होते तो एक पुस्तक उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पूरे देश का हमारा हिस्ट्री में समाहित है पूरे विश्व में उनको जाना जाता, उनको उस जमाने की नोबेल पुरस्कार कमेटी भी उनका नामित किया था उसी पुस्तक के लिए, और शायद नाम नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हम जो आने वाली जनरेशन है पीढ़ी दर को बताना चाहते हैं कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उनके करेक्टर एसोसिएशन के खिलाफ जो काम हो रहा है इसमें हम बताना है सेमिनार में लोगों को, और ये भी बताना है कि जो आज भारत हम देख रहे हैं नवीन भारत ये उन्हीं का शिल्पकारी का नतीजा है, उन्हीं की निर्माता होने का परिणाम है कि आज भारत एक नए देश की तरफ, नया डेवलपिंग कंट्री की तरफ और विकसित देश हो रहा है। इन्हीं को पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं अपनी खराज अकीदत पेश करता हूँ। जय हिंद। कासिम कश्मीरी, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज नेहरू जी के जन्मदिन पर जिसको चिल्ड्रेंस डे के नाम से भी मनाया जाता है और सब इकट्ठे हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र का जो हनन मौजूदा सरकार कर रही है उसके लिए हमने ये तय किया कांग्रेस जनों ने कि हम जनता में जाएंगे और नेहरू जी के योगदान को जो देश के प्रति और हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति था वो बताएंगे जनता। आज जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम राजीव गांधी स्टडी सर्कल के द्वारा एक सेमिनार के रूप में आयोजित किया गया, और हमारा इस कार्यक्रम का आयोजन का लक्ष्य है कि जन जन तक जो एक मुहिम चल रही है कि जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी लोग जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया और उन्होंने जो देश के लिए बलिदान किया उनके उस बलिदान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, तो इस मुहिम का, इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का आयोजन इसीलिए किया गया कि जिससे लोगों को ये पता लगे कि वास्तविकता में जवाहरलाल नेहरू कैसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने कैसे आधुनिक भारत की नींव डाली, कैसे इस देश को आज इस स्थिति में लेकर आए। अगर हमारे इस देश के निर्माण की जड़ मजबूत नहीं होती तो आज हमारा देश इस तरह से एक प्रगतिशील विकासशील देश के रूप में विश्व में अपना परचम ना फैला पाता, और ना ही आज जो भौतिकवादी दौड़ है या तकनीकी दौड़ है उसमें वो हिस्सा ले पाता। तो हमारे देश को एक महत्वपूर्ण विश्व में एक स्थान दिलाने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उनको स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।